हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए डीआई मेंस का बैच लेके आया हूँ। सारे मेंस एग्ज़ाम, अब बहुत सारे मेंस एग्ज़ाम आ रहे हैं। लगभग एक महीने तक सारे मेंस एग्ज़ाम हैं। आरबीआई असिस्टेंट मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, सबके लिए अपन डीआई का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। डीआई मेंस में दो तरह की डीआई आती है। एक में तो वो डाटा डिकोड करना मुश्किल होता है, और एक में कैलकुलेशन होती है थोड़ी। तो अपन दोनों को लेके चलेंगे, और आगे वीडियो में आगे चल के अपन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी बात करेंगे कि उनको डाटा का जो मेन इंस्ट्रक्शन है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन का, वो किस तरह पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, तो मैंने भी पहले आईपीएस क्लर्क का मेंस दिया था। उस टाइम पे ये डीआई मैंने करी थी, तो उस टाइम पे मुझसे डीआई डिकोड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने हिंदी में इसको पढ़ा, और हिंदी में मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए डाटा जल्दी डिकोड नहीं हुआ। पर अब मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं इंग्लिश मीडियम में ही मैं डाटा इंटरप्रिटेशन को सोल्व करता हूँ। और मोस्टली अगर बैंक के एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। तो आप सब जो भी हिंदी मीडियम के हैं, वो ट्राई करें कि पूरा मॉक टेस्ट देते टाइम इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट करें, ताकि आप रीजनिंग भी इंग्लिश में करें और आपके मैथ्स भी इंग्लिश में करें। इससे आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो अब अपन एक डाटा इंटरप्रिटेशन का सेट स्टार्ट करते हैं, जो पाई चार्ट और टेबल दोनों को मिला के है। तो अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग पबजी इन फाइव डिफरेंट स्कूल्स, एंड टेबल शोज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग पबजी आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव रॉयल पास आउट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले पबजी। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट डीए में यही रहता है कि जो ये इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अब ये कह रहा है कि जो बार ग्राफ दिया है, इसमें टोटल स्टूडेंट जो पबजी खेल रहे हैं वो 6000 बता रखा है। अब ये पाँच स्कूल है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है ए 12%, बी 15%, सी 28%, डी इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, और अब टेबल में क्या दे रखा है? टेबल में दे रखा है पांच स्कूल है, वही स्कूल। अब उसमें जो पबजी खेल रहे हैं उनका परसेंटेज दे रखा है ये। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये 60% के इक्वल है। आगे अपन सोल्व करते हैं। मैं और मेंस में सबसे बड़ी बात कि मेंस की डीए को करते टाइम, आप सोल्व करते टाइम इसका एक उसी टाइम पे आप एक टेबल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि बार बार क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, बार बार डाटा निकाल के आप हर कहीं लिखोगे, डाटा इधर उधर हो जाएगा। इसकी जगह आप एक टेबल बना ले फटाफट, 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, पर जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से सोल्व कर पाओगे। तो इसके लिए अपन, ये तो समझ में आ गया, टोटल स्टूडेंट्स पबजी खेल रहे हैं 6000, तो अब इनका अपन निकाल लेते हैं परसेंटेज। ए 12% है, तो 12 6 72, 720 हो गए जो पबजी खेल रहे हैं। बी 15%, 15 6 90, ये बॉयज 15% 12%, जैसे मैं निकाल के बताता हूँ, 6000 है, 6000 का 12% निकालेंगे अपन, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 6 72, तो ए के लिए 72 720 स्टूडेंट है जो पबजी खेल रहे हैं। फिर बी के लिए 900 आ जाएंगे, ऐसे 28% निकालेंगे 6000 का, तो 6000 का 28% आ जाएगा। 28 × 6 छः करेंगे, 6 8 48, 4 6 2 12, 1680 आ जाएंगे। सी में टोटल आ जाएंगे 1680, बी में आ जाएंगे 900, ए में आ जाएंगे 720। फिर डी में बात करेंगे 25%, 25% निकालने के लिए सबसे बढ़िया कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनको अपन को याद रखना होता है। 25% होता है 1/4, अब 6000 का 1/4 होता है 1500। सॉरी गाइस, सॉरी, 6000 का अपन 1500 निकालें, हाँ 1500 ही होता है 25 1500। ठीक है, डी में 1500, ई में 20%, तो 6 2 12 1200। ठीक है, ये हो गया। तो अब अपन और अगला टेबल वाले में ये कह रहा है कि जितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो पबजी खेल रहे हैं वो 60% है। स्कूल ए में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से 60% पबजी खेल रहे हैं। इसका मतलब जो ए का ये 720 का डाटा दे रखा है ना, 720 जो पबजी खेल रहे हैं, ये 60% के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए में पबजी नहीं खेल रहे वो स्टूडेंट भी है। तो अपन को जो ये इंस्ट्रक्शन है ना, ये ध्यान से पढ़ना है। तो इसका मतलब 60% की वैल्यू हो गई है 720 के बराबर। ठीक है, तो अपन इसको काट लेते हैं।
12, 1% की वैल्यू 12 आई, तो 100% की वैल्यू 1200। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ए स्कूल के अंदर टोटल 1200 स्टूडेंट है, उसमें से 720 पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जल्दी से, उसमें टोटल स्टूडेंट जो पबजी खेल रहे हैं, जो पबजी नहीं खेल रहे हैं, उन सबका ए बी सी डी ई। ए में अपन पहले टोटल लिख देते हैं, ए में टोटल कितना आया 1200 भी अपन निकाला। ठीक है, ऐसे बी का निकालेंगे, बी में दे रखा है 900 पबजी खेल रहे हैं, जो 75% के बराबर है। तो 35% होता है 3/4, 3/4 की वैल्यू अपन 900 के बराबर लिख देंगे, 3 की वैल्यू 300 हो गई, तो 1 की वैल्यू 1200। अलग अलग तरीके हैं, जो आपको बेस्ट आता हो एग्ज़ाम में, जो जल्दी क्लिक करे वो आपको यूज करना है। तो बी बी में भी टोटल 1200 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब सी का भी निकालेंगे, ऐसे अपन जल्दी जल्दी सी का डाटा निकालेंगे। सी में 80% कह रहा है, यहाँ पे सी में कह रहा है 80%, 80% की वैल्यू 1680 के बराबर हो गई, क्योंकि ये कह रहा है। ठीक है, तो 8 × 2 = 16, 8 × 8, तो 1% की वैल्यू 21 के बराबर आ गई, तो टोटल हो गई 2100 सी में। फिर अपन डी में निकालेंगे, डी में 1500, तो डी में यहाँ पे 60% कह रहा है, तो यहाँ पे 1500 कह रहा है, तो 60% की वैल्यू 1500 के बराबर, हटेंगे इसको भी अपन, तो 1% की वैल्यू आ गई 25, तो टोटल डी में 2500 स्टूडेंट हो गए। और नेक्स्ट लास्ट बचा है ई, 50%। ई में पबजी खेल रहे हैं जो 1200 है, तो 50% की वैल्यू 1200 है, तो 100% की वैल्यू हो गई 2400, तो टोटल स्टूडेंट 2400 हो गए। ठीक है, अपन ने टाटा टेबल बना दी, अब अपन लिख देंगे इसमें ए में पबजी कितने खेल रहे हैं। जल्दी जल्दी ये रफली बनानी है, ऐसा कुछ मतलब फेली नहीं बनानी, इसमें पबजी कितने खेल रहे हैं। अब ए में अपन ने पबजी निकाल रखा है, डायरेक्ट वैल्यू रख दिया 720, 900 बी में खेल रहे हैं, सी में 1680 पबजी खेल रहे हैं, डी में 1500 पबजी खेल रहे हैं, और ई में खेल रहे हैं 1200। ठीक है, अब इसने एक डाटा और दिया है टेबल में कि जो पबजी खेल रहे हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट के पास रॉयल पास है, तो पबजी वालों के पास में रॉयल पास अपन ने बता दिया। ये भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं 440, 500, क्योंकि ये सारा डाटा आगे क्वेश्चन में काम आएगा, 700। अब अपन को क्लियर हो गया, जैसे ए में टोटल 1200 स्टूडेंट है, उसमें से 720 तो पबजी खेल रहे हैं, अब जो पबजी खेल रहे हैं उनके पास रॉयल पास है, तो अब अपन को ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, तो एक दो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जिनके पास रॉयल पास नहीं है परसेंटेज करके, तो अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव रॉयल पास फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर टू टोटल स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले पबजी फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो रॉयल पास जिनके पास नहीं है, रॉयल पास नहीं है सी ओ डी से, तो अपन को पता है कि रॉयल, अब अपन निकाल देते हैं डो नॉट हैव रॉयल पास, तो अपन घटा देंगे, सात सौ बीस में से ये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इतने पबजी खेल रहे हैं उसमें से इतने के पास रॉयल पास है, तो 720 माइनस 440 कर देंगे अपन, मैं 48, 280 के पास ए में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पबजी खेल रहे हैं उनके पास 280 के पास रॉयल पास नहीं होगा। अब बी में हो जाएंगे ये 400, 900 माइनस 500 400, सी में हो जाएंगे 800 जिनके पास रॉयल पास नहीं होगा, डी में भी हो जाएंगे 800 जिनके पास रॉयल पास नहीं होगा, और ई में हो जाएंगे 840। 12, अब देखो 1200 में से 360 घटाना है, अपन डायरेक्ट घटा देंगे 1200 में से 300 900, 900 में से 60 गए 840। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रेशो निकालना है जो स्टूडेंट जिनके पास रॉयल पास नहीं है फ्रॉम सी एंड डी। अब सी की बात करते हैं, सी सी में जिनके पास रॉयल पास नहीं है, अपन यहाँ थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, डू नॉट हैव रॉयल पास। ठीक है, तो सी में रॉयल पास कितनों के पास नहीं है, 800 के पास, डी में रॉयल पास कितनों के पास नहीं है, 800, तो सी और डी में रॉयल पास कितने के पास, 800 प्लस 800 1600। आगे क्या कह रहा है, टुगेदर टू टोटल स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले पबजी फ्रॉम एंड ई टुगेदर। आप कह रहे हैं जो पबजी नहीं खेल रहे हैं, और ए और ई में मिलाकर, ए में पबजी कौन नहीं खेल रहा है, 720 तो पबजी खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 400 से पबजी नहीं खेलेंगे, 1200 माइनस 720 कर देंगे, टोटल स्टूडेंट है ए 1200 ए में, तो पबजी 720 खेल रहे हैं, तो जो पबजी नहीं खेलेंगे वो हो जाएंगे 480 प्लस ई में कितने हैं, ई में है टोटल 2400,
उसमें से 1200 पबजी खेल रहे हैं, तो 1200 पबजी नहीं खेलेंगे, मैनेज कर देंगे। तो प्लस 1200 तो ये हो गया 1680, 1600 अनुपात 1680। तो अब अपन उनको काट देंगे, 4 से 4 चौक 16 0, 4 चौक 16 4 दूनी 8, धोखेबाज 200 और काट देंगे, 2 3 4 1, 20:21। तो आंसर अपना हो गया 20:21, ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, क्लियर। अब अपन अगर आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रॉयल पास फ्रॉम ऑल द स्कूल टुगेदर। अब देखो गाइस, अपन को इसका जो टेबल बनाई ना, अपन बहुत सारे बोलते हैं कि टेबल बनाने से टाइम वेस्ट होता है, पर ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। जितना जल्दी आप टेबल बनाओगे, डिकोड करोगे, उतना जल्दी क्वेश्चन जल्दी होगा अपना। और मेंस में वैसे भी अपन को ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं है। मैं खुद IBPS क्लर्क के मेंस में केवल DI बना के आया था, और मेरे 23 मार्क्स आए थे ओनली DI। तो उन लोगों के लिए जिनको अर्थमेटिक में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए DI का बैच ये देखना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो ज़्यादा मेंस में DI से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रॉयल पास फ्रॉम ऑल द स्कूल टुगेदर इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पाई चार्ट। ये कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास रॉयल पास है, वो सब एक पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर स्टूडेंट्स हुए रॉयल पास फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर। इसका कहने का मतलब, जितने भी है ना जिनके पास रॉयल पास है, उनको एंगल में डाल दिया सारों को, ऐसे ABCD ऐसे कर दिया, और फिर कह रहा है ए और डी का एंगल निकालना है। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास रॉयल पास है। तो अपन वापस टेबल पर जाते हैं, जो अपन ने टेबल बनी थी रो, तो जिनके पास रॉयल पास इनको ऐड करना है, 400 800 800 1600 1600 400 2000 2000, 2840 2840 प्लस 280, 8 4 12 8 2 10 11 1, 3120। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 3120। सॉरी गाइस, सॉरी, अपन ने डू नॉट हैव निकाल दिया, ये वापस निकालेंगे। ये तो है जिनके पास रॉयल पास नहीं है, अपन को बोल रहा है जिनके पास रॉयल पास है। तो अपन वापस जोड़ते हैं, 440 प्लस 500 940, 940 प्लस 700 1640 प्लस 880 प्लस 360। ठीक है, अब लोग बाग बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक लगाओ, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक, ऐड करना है आपको, जल्दी जल्दी करो, 8 6 14 4 18, 8 14 15 16 17 18 1। तो टोटल आ गए हैं 2880 स्टूडेंट जिनके पास रॉयल पास है। और अब कह रहा है उसमें से एंगल निकालना है जिनके पास रॉयल पास है ए एंड डी टुगेदर। अब वापस अपन टेबल पर आते हैं, टेबल पर आते हैं, तो टेबल में ए और डी जिनके पास रॉयल पास है, 700 और 440, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 700 प्लस 440 1140 इंटू, अपन को एंगल निकालना है तो 360 डिग्री से अपन गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब अपन इसको काटेंगे, 0 से 0, 4 के बाद 4 से काट देंगे, 4 9 36, 4 7 28, 4 2 8, 9 से काट देंगे, 9 8 72। ठीक है, तो अब अपन इसको काट रहे हैं, तो 9 8 72, 8 के, ठीक है, तो 9 8 8 से अपन वापस इसको काटेंगे, 140, और ये 0 था अपन ने, ये 0 अपन ने साइड में रख दिया था, 10, तो 1140 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब अपन को एंगल लाना है, 8 से एक बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 8 चौक 32, 32 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 142.5 डिग्री आ जाएगा ये आंसर। तो अब एक बार वापस समझिए आप, इसमें करना कुछ ही नहीं था। ये बोल रहा है कि जितना स्टूडेंट के पास रॉयल पास है, उन सभी को अपन ने पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, टोटल जो है ना वो तो डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। तो अब नीचे इन सबको ऐड कर दिया, और ऊपर कह रहा है अपन को कि सेंट्रल एंगल अपन को निकालना है किसका है, ए और डी दोनों को मिला के सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू है जो रख दी, नीचे जो टोटल आया वो रख दिया, इंटू 360 कर दिया, इसको सोल्व करा, 142.5 डिग्री आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, रुकिए। ठीक है, तो अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है टोटल गर्ल्स इन स्कूल सी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, टोटल गर्ल्स इन स्कूल सी
स्कूल सी में जितनी गर्ल्स है वो कह रहा है 25% लेस देन दैट ऑफ बॉयज़, 25% लेस देन दैट ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ टोटल गर्ल्स इन सी प्ले पबजी। सी में जितनी गर्ल्स है उसमें से 80% गर्ल्स पबजी खेल रही है। इफ 50% ऑफ टोटल बॉयज़ इन सी हु प्ले पबजी हैव रॉयल पास, देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले पबजी बट डू नॉट हैव रॉयल पास फ्रॉम सी। ठीक है, तो अब अपन को कह रहा है कि पहले अपन पहली लाइन पे चलते हैं। अब ये तो पता चल गया गर्ल्स बॉयज़ का है, तो गर्ल्स बॉयज़ लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 25% लेस देन, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4 इसका मतलब 4 से 3। ठीक है, अब सी में टोटल स्टूडेंट हैं कितने, टेबल पे चलते हैं अपन। टेबल में अपन ने निकाला था कि टोटल स्टूडेंट सी के अंदर है 2100, तो ठीक है टोटल स्टूडेंट 2100 है सी के अंदर। ठीक है, अब 2100 है तो 4 3 7, तो 7 की वैल्यू 2100 के बराबर कर देंगे अपन, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 300। इसका मतलब गर्ल्स जो हो गई टोटल 900, बॉयज़ हो जाएंगे 1200। ठीक है, अब फिर आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में चलते हैं आगे। आगे कह रहा है 80% ऑफ टोटल गर्ल्स इन सी प्लेइंग पबजी, सी में टोटल कितनी है 900, उसमें से 80% पबजी खेल रही है। ठीक है, तो 800, 900 का 80% निकाल देंगे डायरेक्ट, 720, तो 720 जो गर्ल्स है वो पबजी खेल रही है। फिर आगे कह रहा है कि इफ 50% ऑफ टोटल बॉयज इन सी हु प्ले पबजी हैव रॉयल पास। ठीक है, अब सी में, सी के अंदर टोटल पबजी खेलने वाले कितने हैं अपन ये निकालते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है, अपन इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। ठीक है, 80% ऑफ टोटल गर्ल्स इन सी, ये 50% ऑफ टोटल बॉयज़ इन सी। ठीक है, सी में टोटल बॉयज़ कितने हैं 1200, उसमें से 50% पबजी खेल रहे हैं, तो 1200 का 50%, नहीं नहीं गाइस, यहाँ एक मिनट, सी में टोटल पबजी कितना खेल रहे हैं 1600 सी टोटल पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 1600 सी टोटल पबजी खेलने वाले हैं, उसमें से 720 लड़कियां हैं। ठीक है, 720 माइनस कर देंगे तो 960 टोटल बॉयज हैं जो पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, उसमें से कह रहा है ये 50% जो पबजी खेल रहे हैं उनके पास तो रॉयल पास है, मतलब 960 का अपन 50% निकालेंगे, 960 का 50% निकालेंगे मतलब 1/2 कर देंगे सीधा 960 का, तो 480 इतने बॉयज़ होंगे जिनके पास रॉयल पास है। ठीक है, और सी में टोटल कितने हैं जिनके पास रॉयल पास है, 880 के पास रॉयल पास है, सी में अपन ने ये डाटा दे रखा था, तो सी के अंदर टोटल 880 में रॉयल पास है। ठीक है, उसमें से अब क्वेश्चन पूछ रहा है अपन को कि देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले पबजी, जो पबजी खेल रही है और जिनके पास रॉयल पास नहीं है। ठीक है, तो अब टोटल रॉयल पास कितने हैं 880, बॉयज़ के पास रॉयल पास कितने हैं 480। ठीक है, तो हो गया सवाल। हो गया सवाल, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। अब ये कह रहा है टोटल रॉयल पास कितने हैं सी के अंदर 880, उसमें से बॉयज़ के पास रॉयल पास कितने हैं 480, तो गर्ल्स के पास रॉयल पास कितने होंगे 880 माइनस 480 400, 400 गर्ल्स के पास रॉयल पास होंगे, गर्ल्स टोटल कितनी है 720 जो पबजी खेल रही है। ठीक है, 720 में से 400 के पास तो रॉयल पास है, तो 720 माइनस 400 कर देंगे अपन, तो 320 ऐसी गर्ल्स होगी जिनके पास रॉयल पास नहीं होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को अपन वापस, मैं एक बार वापस समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है टोटल गर्ल्स है ना स्कूल सी के अंदर 25% लेस देन दैट ऑफ बॉयज़, 25% की रेशियो निकाल देंगे अपन सबसे पहले 1/4, 1/4 मतलब 4 बॉयज़ है तो उसमें से एक कम करेंगे तो 3 लड़कियाँ हो जाएगी, तो रेशियो आ गया 3
3:4। अब टोटल स्टूडेंट कितने, 2100, तो 3:4 तो टोटल 7 है, तो 7 की वैल्यू 2100 के बराबर रख देंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 300। तो अब अपन टोटल गर्ल्स और बॉयज़ की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि 80% ऑफ टोटल गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है, 900, 900 में से 80% है जो पबजी खेल रही है, तो 720 आ गया, 900 का 80% निकाल दिया। अब कह रहा है कि 50% ऑफ टोटल बॉयज़ इन सी हु प्ले पबजी हैव रॉयल पास, ठीक है। अब 1680 पबजी खेल रहे हैं टोटल, उसमें से 720 तो लड़कियां मिल गई, तो लड़के कितने हैं, 960। अब ये कह रहा है जितने लड़के पबजी खेल रहे हैं, तो 960 लड़के पबजी खेलेंगे, उसका 50% के पास रॉयल पास है, तो 960 का 50% मतलब 1/2, तो 480 के पास रॉयल पास हो जाएगा, और सी में रॉयल पास कितने हैं, टोटल 880, तो 880 टोटल पास है, उसमें से बॉयज़ के पास 480, तो बाकी कर देंगे तो 400 रॉयल पास आ जाएंगे गर्ल्स के पास, ठीक है, क्लियर। अब 400 गर्ल्स के पास आ जाएंगे रॉयल पास, और टोटल गर्ल्स जो पबजी खेल रही है 720, तो 720 माइनस 400 320 आ जाएगा, जो इसका मतलब 320 ये गर्ल्स है जिनके पास रॉयल पास नहीं है, गर्ल्स डू नॉट हैव रॉयल पास, क्लियर। चलो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव रॉयल पास फ्रॉम एडी। देखो ये क्वेश्चन अब अपन को ऐसा मिल गया जो जल्दी से हो जाएगा, तो ये कह रहा है अब टेबल का यूज़ तो हर क्वेश्चन में होगा, इसलिए टेबल मेंस के क्वेश्चन में पहले टेबल बनाना ही सही रहता है। तो ये कह रहा है एवरेज निकालना है अपन को जिनके पास रॉयल पास नहीं है, तो अब अपन टेबल में चलेंगे, अपन ने जो टेबल निकाली थी जिसमें ए डी और ई के पास रॉयल पास नहीं है, ए के पास जिनके पास 280 रॉयल पास नहीं है, डी के पास 800 रॉयल पास नहीं है, और ई के पास 840, तो अब अपन ए डी ई, तो ए के पास 280 है जिनके पास रॉयल पास नहीं है, डी के पास 800 है और ई के पास 840, तो अब अपन को जोड़ देंगे 800 800 1640 प्लस 280 कर देंगे 12 1920 टोटल आ गए। अब एवरेज कह रहा था 3 से डिवाइड कर देंगे 640 आंसर हो गया, काफ़ी इजी था। अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है जीटीआई का। अब टोटल स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले पबजी फ्रॉम ए एन सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले पबजी फ्रॉम ई, ठीक है। तो वापस टेबल काम आ रही है, तो मेंस में सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको टेबल बनानी है जल्दी से डाटा एक्सट्रैक्ट करके। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, टोटल स्टूडेंट कह रहा है जो पबजी नहीं खेल रहे हैं ए और सी से, तो अब अपन वापस टेबल पे आते हैं। ए में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1200, उसमें से 720 पबजी खेल रहे थे, तो 1200 माइनस 720 480, तो 480 जो पबजी नहीं खेल रहे हैं ए, और सब सी में देखेंगे अपन, सी में टोटल 2100 स्टूडेंट है, इसमें से 1680 पबजी खेल रहे हैं, तो 1680 में से अपन 2100 बाकी करना है, 2100 माइनस 1620 करना है, तो 1680 को पहले 1700 बना ले, 20 ऐड कर देंगे, 1700 से 1100 2100 सॉरी 1100 सॉरी 2100 तक अपन डायरेक्ट जा सकते हैं, 1700 से 2100 400, तो 420 आ जाएगा डायरेक्ट बाकी के लिए, ऐसा कुछ नहीं इतना दिमाग मत लगाओ। तो सी और ए में इतने हो गए जो पबजी नहीं खेल रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे तो 900 हो गए टोटल जो ए और सी से पबजी नहीं खेल रहे हैं। अब कह रहे हैं इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ टोटल स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले पबजी फ्रॉम ई। अब ई में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अपन ने निकाला 2400, 2400 में से 1200 पबजी खेल रहे हैं, तो 1200 पबजी नहीं खेलेंगे, तो ई में जो पबजी नहीं खेल रहे हैं वो 1200 हो गए नॉट प्ले। तो अब कह रहे हैं कितने कम है, 1200 में से 900 कितना कम है, इसका एक तरीका तो ये है 1200 में से 900 तीन कम है, तो अब इसको काट देंगे अपन 1/4, 1/4 होता है 25%, 25%। एक दूसरा तरीका है इनकी रेशो निकाल लो, 900 1200 इनकी रेशो निकाल देते हैं, 3:4, 3:4 मतलब 4 से 3 कितना कम है, एक कम है, तो वापस 1/4, तो 25%। दोस्तों ये डीआई आपने कंप्लीट हुई, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना एचपी सक्सेस क्लासेस, और तो दोस्तों ये चैनल का नाम है एच पी सक्सेस क्लासेस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट में बताएं, और जल्दी मैं पीओ लेवल की डीआई लेके आ रहा हूँ, तो मेंस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू दोस्तों, अलविदा।